हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। आज हम बनाकर दिखाएंगे अलगे नई तरीका से एक कीमा बनाएंगे गोश्त का, बहुत अच्छा होता है। तो उसका हम मसाला मेजरमेंट लिए हुए हैं। ये सारे, ये अदरक है, ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला है, मिर्चा पाउडर है, काले थोड़ा लौंग इलायची है, जीरा है, काले मिर्च है और लहसुन है। और ये हम प्याज काट के रखे हैं, जो तेज़पत्ता लिए हुए हैं, तो इसको हम पीस लेते हैं ये तीनों को। तो हम कढ़ाई चढ़ाए हुए हैं, इसमें सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। तो ये इसको हम तड़का लगा देते हैं। ये प्याज डाल देती हूँ। तो ये डाक हो चुका है और इसमें हम सारे मसाले को ऐड कर देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ भुनने के लिए, क्योंकि भुंजा हुआ मसाला का जो स्वाद होता है बहुत अच्छा लगता है। इसको हम भुनेंगे 5 से 7 मिनट तक। और नमक डालें, अपने अनुसार नमक डालिएगा। इसको हल्के धीमे आंच पर हम भुनेंगे। तो ये हम ना गोश्त को छोटा छोटा टुकड़ा में कट चुकी हैं और ये जाल में हम डालकर इसको थोड़ा सा, तो ये हम ना पीस लिए हुए हैं। इसको हम मसाला भी भून चुका है। ये आलू का हम उबाल कर रखे हुए थे, इसको भी डाल देते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसको दम धीमे आज तेल बहुत ज़्यादा डाले हैं, तो इसी तेल ही में इसको हम पका लेंगे और ढक देते हैं इसको। तो ये हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए तैयार हो चुका है हमारा कीमा। आप लोग भी एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। दाल चावल पर खाइए, जैसे मन की रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल रेशमा जी के ब्लॉग को। तो वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।